इमरान खान का लॉन्ग मार्च कैसे नाकाम बनाया जाए, हुकूमत ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। वजारती दाखिला का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ज़राए के मुताबिक कप्तान को फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। केस में सेनेटर सैफुल्ला और हामिद जमान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकुमरान इमरान खान को गिरफ्तार करने का शौक पूरा कर लें। इमरान खान को गिरफ्तार करना या नज़रबंद करना हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएगा। फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया, बोले कप्तान को गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान जेल भरो तहरीक के लिए तैयार बैठा है। कप्तान के लॉन्ग मार्च का मिशन, हुकूमत के लिए मुसलसल टेंशन। इस्लामाबाद बंद करने का मंसूबा बंदी, रुकावटें तैयार। इमरान खान की भूल है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह की भड़कियां, कहा लॉन्ग मार्च को पूरी ताकत से रोकेंगे, सिक्योरिटी इदारों को हर तरह का इख्तियार दिया जाएगा। ऑडियो और वीडियो में जालसाजी कैसे होती है, कप्तान ने पर्दा चाक कर दिया। इमरान खान ने मियां वाले जलसे के दौरान नवाज शरीफ की जाली ऑडियो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई, कहा नून लीग को बताना चाहता हूं, जाली वीडियोस या ऑडियोस बनाना मुश्किल काम नहीं। कहा इस जाली ऑडियो फैक्ट्री के पीछे मरियम नवाज है जो फेक ऑडियो वीडियो की माहिर है। चार अफराद ने बंद कमरे में बैठ कर मेरे कत्ल का फैसला कर लिया, ये चार लोग कौन है, इनके नाम एक टेप में बता दिए हैं। इमरान खान का इंकशाफ, कहा जिन्होंने मुझे मरवाने का फैसला किया वो कत्ल के बाद कहेंगे कि ये तौहीन मजहब के नाम पर कत्ल हुआ, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं कौम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। कॉल में ताखीर इमरान खान के नुकसान में जाएगी, घी अब सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं। शेख रशीद कहते हैं मुल्क की मईशत बचाने के लिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा हुक्मरानों के चेहरे उड़े हुए हैं, ये हम पर ड्रोन से हमले करेंगे, अगर कोई बातचीत हो रही है तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त, लिखा विफाक और सूबों की ज़्यादातर तवानाइयाँ और वसाइल बहाली के कामों पर लगी हैं। एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। खवातीन बाजी ले गईं, जज्बों और जुनून का जादू चलाया, थाईलैंड की शिकस्त से हारे हौसले फिर से ताज़ा किए, बल्ला घुमाया, बॉलिंग का हुनर भी दिखाया, रिवायती हरीफ भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद धूल चटा दी। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरी फतह पर नजरें जमा ली, शाहीन की वीज पर झपटने के लिए तैयार, शायकीन को भी शिद्दत से इंतजार। सैफ अली के टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान मेजबान न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबल होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में फातिहाना आगाज किया है। बोल न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए, सिंध हाईकोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुकुम की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया, मदन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है, समाज 4 नवंबर को फिर होगी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार, टैक्सी कैश, छठी के बच्चे, आपसे अच्छे, जीतो एक मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां, सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो, इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।